यूपी के फतेहपुर जिले के बिनकी कोतवाली क्षेत्र के दरवेसाबाद गांव में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर बीती रात को घर के बाहर टीन शेड के नीचे सो रहे युवक को गांव के ही लोगों ने हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है और डेड बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के दरवेसाबाद गांव में बीती रात को पैसे के लेन देन के विवाद में घर के बाहर टीन शेड के नीचे सो रहे 35 वर्षीय प्रेम शंकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और डेड बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के मामा का कहना है कि 11 माह पूर्व गांव के दबंग दिनेश से हमारे भांजे का पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन लोगों ने फायरिंग भी की थी, जिससे मेरे भांजे के सर पर चोट भी आई थी। और इस मामले में 308 का मामला दर्ज भी है जो कोर्ट में विचाराधीन है। कल वह लोग कोर्ट से वापस आते ही गांव के कुछ लोग गिरोहबंदी बनाते हुए मेरे भांजे को गोली मार दी। मृतक के छोटे भाई ने सब देखा है कि किन लोगों ने उसे मारा है। वहीं घटना का प्रत्यक्षदर्शी व मृतक का छोटा भाई गोविंद ने बताया कि कल रात मैं और मेरा भाई सो रहे थे। मैं कमरे के अंदर सो रहा था और मेरा भाई बाहर सो रहा था, तभी गांव के कुछ लोग आए और दो फायरिंग किया, जिससे मेरे भाई को सीने में गोली लग गई, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और मुझे भी मारने का प्रयास किया गया। तब मैं कमरे के अंदर जाकर छुप गया और गाली गलौज करते हुए भाग निकले। वहीं जिले के एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने बताया कि बिनकी कोतवाली क्षेत्र के दरवेसाबाद गांव में आपसी रंजिश को लेकर घर के बाहर बरामदे में सो रहे प्रेम शंकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फतेहपुर जिला के बिनकी कोतवाली के ग्राम दरवेसाबाद के रहने वाला हूँ मैं। रात को दो बजे करीबन मैं और मेरा भाई सोया हुआ था। मैं कमरे में सोया था, मेरा भाई बाहर। गांव के कुछ उपर्युक्त गुंडों ने लैस होकर असलाह और बंदूक लेके आया और दो फायरिंग किया, जिससे एक फायरिंग मेरे भाई के सीने में दो गोलियां लगी, कनपट्टी में लगी, जिससे उसकी दर पर मृत्यु हो जाती है। मैं जब आगे बढ़ा मुझ पर भी गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन मैं कमरे के अंदर हो गया और गाली गलौज देते हुए भाग गए। मेरा नाम गोविंद कुमार है। जिसकी मौत हुई वो मेरे बड़े भाई है, उनका नाम प्रेम शंकर, पिताजी का नाम विजय बहादुर है। ग्राम दरवेसाबाद निवास स्थान है हमारा। गांव के ही दबंग गुंडों ने 8 लोगों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। पुलिस को सूचित किया? पुलिस को सूचित करके NCR मैंने दर्ज करवा दी है। अब देखना ये लगी हुई हो। मेरा भांजा प्रेम शंकर, उसका नाम प्रेम शंकर उर्फ मोहना है, ग्राम दरवेसाबाद का रहने वाला है। कुछ दिन पहले 11 महीने पहले कुछ विवाद हुआ था लेन देन के प्रति को लेकर के। गांव के ही दिनेश दबंग कुछ लोगों के खिलाफ झगड़ा हुआ था तो उन्होंने फायरिंग किया था और इसके सर पे कुछ वारिंग किया था, जिसका मुकदमा 308 में विचाराधीन चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट से आते ही कुछ लोग गांव के उन लोगों ने गिरोह बंदी बना करके मेरे भांजे को जो है कल की रात की घटना गोली मार दी गई है, जिसमें मेरा उसका छोटा भाई गोविंद कुमार ने अपनी आंखों से देखा है कि किन किन लोगों ने फायरिंग किया, किन किन लोगों ने मारा है। थाना बिंदगी जनपद फतेहपुर के दरवेशा गांव में आपसी रंजिश को लेकर के रात में बरामदे में सोए हुए प्रेम शंकर नाम के व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। घटना में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।